नमस्कार बज चुके हैं आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन मैं हूं आपके साथ प्रीति गुजरात से खबर है ये दमोह में एक बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुड़ गई पैसे निकालने के लिए पहुंचे लोग एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए जरूरी दूरी का भी बैंक के बाहर कोई ख्याल नहीं रखा गया बैंक का एक कर्मचारी लोगों को टोकन बांटता हुआ दिखाई दिया जहां महिलाओं की एक लाइन लगी थी उसके पास ही आदमी भी दूसरी लाइन में लगे दिखाई दिए गुजरात के दाहोद से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा गया और सबसे हैरानी की बात यह कि दाहोद में बैंक के बाहर ये भीड़ लगी हुई थी लोगों ने कुछ ने मुंह जरूर ढके थे लेकिन ज्यादातर ऐसे ही नजर आ रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी साथ ही साथ बैंक से ही एक अधिकारी निकला जो टोकन बांटता हुआ दिखा लेकिन उसने भी इस बात को तरजीह नहीं दी कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह नहीं होना चाहिए था कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होना ही चाहिए था इधर सूरत में लॉकडाउन पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है पुलिस की ओर से लगातार अपील के बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं यही वजह है कि अब पुलिस ने मकानों की छतों पर जुट रहे लोगों पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखना शुरू कर दिया है पुलिस ड्रोन के कैमरों की मदद से 16 मामलों में केस दर्ज करने का दावा किया है तो देखिए ड्रोन से ली जा रही तस्वीरें किस तरह से जैसे ही ड्रोन को अपने ओर आते हुए देखा लोगों ने तो तुरंत लोग अपनी छतों से नीचे की तरफ जाने लगे गेटों में घुस गए साथ ही साथ इसमें सब लोग शामिल हैं इसमें परिवार के माता पिता से लेकर बच्चे सभी शामिल हैं जो कुछ भीड़ इकट्ठा करते हुए देखे लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि ड्रोन आ रहा है तुरंत वो भागते हुए इन तस्वीरों में तो किसानों ने जरूरी ध्यान रखा है दूरी बनाए रखने का न ही किसान मुंह ढके हुए नजर आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है सरकार से छूट मिलने की किसानों की बड़ी तादाद में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां नियमों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया कोरोना के खतरे से भी किसान अनजान नजर आए कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है कश्मीर घाटी में भी लॉकडाउन लागू है और उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है बावजूद इसके कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाओं के बाहर अब भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है कश्मीर घाटी में लॉकडाउन लगातार जारी है जहाँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस पहले थी वहाँ पे कोई भी नरमी नहीं बरती जा रही है क्योंकि यहाँ पे लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर से बाडीपोरा डिस्ट्रिक्ट अभी बहुत ज़्यादा एफेक्टेड है चौरासी केसेस अब वहाँ पे सामने आए हैं आई विल गिव यू अ ब्रीफ़ ओवरव्यू ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स पुअर पीपल एंड पीपल इन रूरल एरियाज़ टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन Ministry of Agriculture next slide please overcoming the lockdown restrictions sown area of summer crops has increased significantly registering 36% increase over the last year pushed up mainly by rice cultivation farming operations in the field harvesting and sowing have been exempted from lockdown but social distancing and social responsibility has to be maintained farming machinery shops Custom hiring centers, services related to fertilizers and seeds, Monday operations for marketing have also been given concessions from lockdown to enable farming to proceed smoothly. At the Kharif conference recently held 2020, food grain production target has been fixed at an ambitious 298, mil, million tons. 298, 298 million tons. Next slide, please to help farmers sustain production money has been disbursed under the pm kisan Yojna and the pm fasal bima yojana insurance claims have been disbursed pulses have been dispatched to states under the pm garib kalyan Yojna. next An all India transport call center 18001804200 has been recently launched and the Kisan Rath app has been launched to facilitate transportation of food grains and perishables across the state next slide please regarding ministry of consumer affairs food and public distribution I would like to inform you that face masks and sanitizers have been brought under the Essential Commodities Act. NGOs have been permitted to buy food grains directly from FCI for relief operations. FCI has moved double the average food grains across the country during the lockdown. Next, please. Next ministries of rural development and panchayati raj, i would like to inform you that government has hiked the manrega wages. in the wake of covid-19 pandemic, the average increase is rupees 20. there has been a direct cash transfer to women under the pradhan mantri Jan Dhan yojana account holders under pm garib kalyan package. the self-help group women have helped in this effort. the women self-help groups under the nrlm, the national rural livelihood mission are making protective face covers sanitizers soaps and are running community kitchens in large numbers thank you thank you Alpna. now the ministry of home affairs please गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट है गृह मंत्रालय निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के एनफोर्स जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके उचित कार्रवाई की जा रही है कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती कमजोर नहीं कर सकती गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की भी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दे दी जा रही थी जिनके गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है कुछ कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है और लॉकडाउन नियमों को भी शीन कर रहा है उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं कुछ जिलों में कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है जैसे राजस्थान में जयपुर मध्य प्रदेश में इंदौर महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे पश्चिम बंगाल में कोलकाता हावड़ा 24 परगना नॉर्थ मेदनीपुर ईस्ट दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने छः इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं प्रत्येक टीम में छह सदस्य हैं जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं इस प्रकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा गरीब एवं श्रमों के श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड 19 के खिलाफ अपनी मुहिम में सफल होंगे धन्यवाद धन्यवाद हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज अब तक टोटल 2,546 लोग क्यूर हो चुके हैं जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज के एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं विच टेक द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 फोर आवर्स में 36 न्यू डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड 19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी जी ट्वेंटी एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं जी ट्वेंटी के मेंबर नेशंस वर्ल्ड का 80 प्रतिशत इकोनॉमिक आउटपुट ग्लोबल पॉपुलेशन दो तिहाई और थ्री फोर्थ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस जी ट्वेंटी के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इश्यू पर डेलिब्रेट किया गया माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिस के कामकाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एक गाइडलाइंस के द्वारा वायरस के स्प्रेड को रोकने में संबंधित प्रिकॉशनरी मेजर की सलाह दी है जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल्स रीयूजेबल क्लोथ फेस कवर यूज़ करें डिसइनफेक्शन प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करें फ्रीक्वेंटली सोप या पानी से हाथ धोएं या फिर हैंड रब या सैनिटाइजर को यूज़ करें और ऑफिशियल एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें साथ ही किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है डबलिंग रेट ऑफ केसेस जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले सात दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पर जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज़ है कर्नाटका में 9.2 डेज़ है तेलंगाना 9.4 डेज़ आंध्र प्रदेश 10.6 डेज़ जम्मू कश्मीर 11.5 डेज पंजाब 13.1 डेज़ छत्तीसगढ़ 13.3 डेज़ तमिलनाडु 14 डेज और बिहार सिक्सटीन डेज़ ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कब कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है हरियाणा 21 डेज़ हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज चंडीगढ़ 25.4 डेज़ असम 25.8 डेज उत्तराखंड 26.6 डेज लद्दाख 26.6 डेज इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट यानी कि उनकी परफॉर्मेंस उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं वह है उड़ीसा और केरला मैं ये एक बहुत अच्छी हार्टनिंग न्यूज़ के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे कोविड के फील्ड वॉरियर्स काम कर रहे हैं इस विषय में उनको धन्यवाद देना चाहूँगा इट इज़ हा ओवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि हम एक लड़ाई में हैं हम एक बैटल में हैं और हम आराम नहीं कर सकते एक भी दिन की हमारी विफलता या एक भी व्यक्ति की विफलता हमारे इस क्यू ए रिजल्ट को परिणामों को नेगेट कर सकती है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी गाइडलाइंस का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करें हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था माही और कोडगू इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था उसमें एक और जिला जुड़ गया है वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से साथ ही टोटल 59 नाइन डिस्ट्रिक्ट हैं तेईस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से जहाँ पर पिछले चौदह दिनों से कोई केस नहीं आया है जिसमें छः नए जिले जुड़े हैं वह है डूंगरपुर और पाली राजस्थान से जामनगर मोरबी गुजरात से नॉर्थ गोवा गोवा से गोमती त्रिपुरा से और इससे संबंधित हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिर भी हमें हर तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है दूसरे देशों की तुलना में अगर भारत आज इस सिचुएशन को मैनेज करने में प्रयत्न कर रहा है उसमें जो भी रिलेटिव सक्सेस मिली है उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ साथ हर सिटीजन मिलकर लड़ाई लड़ रहा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कोऑपरेशन और कम्युनिटी लीडरशिप हमारे मैनेजमेंट का एक मुख्य कारण रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत देश का हर नागरिक इस लड़ाई में जुड़कर लड़ रहा है फिर चाहे वह लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो बिहेवियर चेंज हो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम मॉर्टैलिटी को अवॉइड करें यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए आज जब हम कुछ प्रांतों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें ताकि जो कोविड के केसेस कुछ ज़िलों में कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं वे और भी कम हो और जो ज़िले ग्रीन जोन में चले गए हैं वहाँ पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ज़ीरो केस की स्थिति में ही बने रहें हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सपोर्ट करती है वह सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें धन्यवाद नो ऑनलाइन क्वेश्चन फॉर आई सी एम आर द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट स्कैनर वर्ड ओवर फॉर क्वालिटी इशूज डिड आई सी एम आर कंडक्ट बैच बाइज क्वालिटी टेस्ट बिफोर डिस्पैचिंग देम टू स्टेट्स As certain states have raised concern about their quality uh, ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अभी भी एक चीज कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी वो इम्यून तो सबसे दिस्पा... बड़ी बात जो आज सामने आई इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए वो ये है कि अभी तक जो तीन दशमलव चार दिन में दोगुने मामले हो रहे थे उनकी संख्या अब बहुत कम हुई है सात दशमलव पांच यानी कि साढ़े सात दिन में केसेस दोगुने हो रहे हैं जो पॉजिटिव साइन है और सरकार लगातार ये कह रही है कि आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं इसी सहयोग के आगे बढ़ाते रहिए ताकि कोरोना वायरस के जो केसेज हैं वो इसी तरह से लगातार कम होते जाए राजस्थान के धौलपुर की, की खबर है जहां लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग भारी तादाद में घरों से निकल आए हैं और गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ दिखाई दी जहां लोगों ने ज़रूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जरूरी कामों के लिए दी गई छूट का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया कोरोना के खतरे को भी लोग पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इधर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फंसे हुए मजदूरों को रोजगार देने की गरज से मुंबई में निर्माण कार्य को अनुमति दी है लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केवल ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में उद्योगों और व्यवसायों को नियमावली के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि मुंबई थाने नवी मुंबई जैसे रेड जोन में केवल टोल नाके की वसूली और कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी गई है ताकि फंसे मजदूरों को रोज़गार दिया जा सके और उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके तो ये इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण कार्य को अनुमति दी है लेकिन वो कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर ये कार्य हो सकता है वह मुंबई पुणे को छोड़कर नवी मुंबई को छोड़कर बाकी इलाकों में आप निर्माण कार्य कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियमावली के साथ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में व्यवसाय करने की व्यापार करने की इंडस्ट्रीज को चलाने की और कृषि संबंधित कार्यों के लिए अनुमति दी है लेकिन मुंबई अभी भी रेड जोन में है मुंबई में इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है सिवाय बांध काम के यानी दुरुस्ती का, का काम हो कंस्ट्रक्शन का, का काम हो उसके लिए जो है अनुमति दी गई है और ऐसे में जो यहाँ पर फंसे हुए मजदूर है उन्हें हायर करने की बात कही गई है जिसके तहत अगर आप देखें तो ये अंधेरी के पास की सड़क है जिसपे निर्माणाधीन कार्य चालू है डामर डालने का काम चालू है पक्की सड़क तैयार करने का चालू, काम चालू है आपसे जानना चाहूंगा कितने मजदूर आज जो है आए हुए हैं और क्या उन्हें जो है हैंड साथ ही साथ जो है सैनिटाइजर ये सब चीजें दी गई है आ, ये सब दी गई है।, है आज पैतीस मजदूर आए है पैतीस मजदूरों को कल से चालू हुआ है पैतीस मजदूर आए और मास्क भी सब दिया है हैंड सैनिटाइजर ये सब दिया है और साथ में एक बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से कि हर एक मजदूर ताकि वो अपने घर से आ सके जा सके इसके लिए आईडी कार्ड इशू किया जाए क्या इस तरह का कोई आईडी कार्ड इशू किया गया, दिया आई गया। सबको आईडी आईडी कार्ड कार्ड दिया किस तरह का आईडी कार्ड है जैसा दिखाएं दिखाए देखें तो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एम की तरफ से इशू किया गया हुआ आईडी कार्ड है यानी जो मजदूर यहाँ पर साइट पर काम करने आएगा वो मजदूर अपने साथ इस कार्ड को कैरी करेगा तो रेड जोन जो वाले एरिया है वहां पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन और टोन लाके का, का काम हो सकेगा बाकी किसी भी काम की अनुमति नहीं है इधर लॉकडाउन की वजह से अगरतला में फंसे राजस्थान के एक मजदूर ने अपने बेटे के नाम को ही लॉकडाउन रख दिया राजस्थान का राजस्थान का रहने वाला ये आदमी अपनी पत्नी के साथ रोजगार के सिलसिले में अगरतला में रहता है ये लोग लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही वापस राजस्थान जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने इनके रहने खाने का यही इंतजाम कर दिया इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की वजह से अगरतला में रुकने को मजबूर इन लोगों के मेडिकल चेकअप का भी पूरा बंदोबस्त किया और जब बेटे का जन्म हुआ तो इस आदमी ने लॉकडाउन के दिनों को याद रखने के लिए बेटे का नाम ही लॉकडाउन रख दिया लॉकडाउन के बीच में पैदा हो गया सर इसलिए इसका नाम इसलिए रख दिया कि नाम हमेशा के लिए याद दिलाता रहेगा वह कहीं इसी इसी लॉकडाउन की वजह से कहीं फंसे हुए इधर मथुरा में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए रुद्राभिषेक किया गया धर्माचार्य ने सोमवार को सोम प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक किया 21 देशों से 1331 लोगों को रुद्राभिषेक कराया गया सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन रुद्राभिषेक कराया गया लॉकडाउन के बावजूद पटना के दानापुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है दानापुर के बाजार को देखकर यह ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को भी कोरोना से बचाव की चिंता है लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर आराम से एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं और मास्क पहने तो शायद ही कोई दिखाई देता हो हैरत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरतता नजर आ रहा है और इधर राजस्थान के सिरोही ज़िले से अच्छी खबर है कोरोना से प्रभावित रहा सिरोही ज़िला अब ग्रीन जोन में आ गया है ग्रीन जोन वो इलाका होता है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं होता है ग्रीन जोन घोषित होने के साथ ही आज से सिरोही में लॉकडाउन से शर्तों के साथ कुछ को छूट भी मिलेगी हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और धारा एक पहले की तरह अभी लागू रहेगी राजस्थान के झालावाड़ से खबर है जहां पुलिस ने देसी शराब बनाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है लोगों के पास से पुलिस ने देसी शराब बनाने का कच्चा सामान भी बरामद किया है लॉकडाउन की वजह से देसी शराब की मांग बढ़ी है जिले में पुलिस की कार्रवाई में अब तक 10,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है उत्तर दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने सफाई कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों को तीन महीने से सैलरी नहीं दे रहा है और इधर अगली खबर अहमदाबाद से है जहां के सिविल अस्पताल के बाहर खड़े करीब 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने इलाज न मिलने की शिकायत की है इन लोगों ने खुद ही अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपना एक वीडियो जारी किया इन लोगों का आरोप है कि सुबह ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है लेकिन उनका इलाज शुरू नहीं किया गया इस सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 1200 बेड की व्यवस्था है लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि न तो उन्हें भर्ती किया जा रहा है न ही अस्पताल प्रशासन उनकी सुन रहा है हालांकि मामला सामने आने के बाद सरकार ने इलाज कराने का भरोसा दिया है केंद्र सरकार ने पेंशन में कटौती या फिर पेंशन रोके जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है सरकार ने साफ किया है कि कोरोना की वजह से किसी की पूर्व कर्मचारी की पेंशन में ना तो कटौती होने जा रही है और ना ही किसी की पेंशन रोकी जा रही है सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ये सिर्फ अफवाह है देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच यूपी के छप्पन जिलों में आज छूट दी गई इस छूट के तहत कई संस्थान खोले गए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी गेहूं क्रय केंद्र पर लॉकडाउन के नियमों का भी पालन किया गया यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कायम की गई जबकि किसानों और कर्मचारियों को भी सैनिटाइज किया गया कोरोना वायरस को लेकर पूरे यूपी क्या पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है लेकिन छप्पन जिलों में छूट दी गई है कृषि कार्यों को छूट दी गई है इस वक्त हम एक जो गेहूं का क्रय केंद्र है बक्सी का तालाब वहां मौजूद है आप देख सकते हैं कि यहां गाड़ियां खड़ी हैं और जो तौल है वो की जा रही है जो कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कर रहे हैं और यहां गेहूं की खरीद देखिए किसान गेहूं यहां लेकर आता है और यहां, गे यहां, और यहां से गेहूं की तौल की जा रही है और बाकायदा इनको बोरों में भरा जा रहा है और ये ट्रैक्टर टाली से किसान के घर से यहाँ पर पहुंचा और यहीं पर अब इसकी तौल की जा रही है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया गया है वो इन्हें दिया जाएगा तो आप देखिए कि दूर दूर खड़े हैं सभी लोग या तो गम से मुंह ढक रखा है या फिर उनके पास जो है जो गमछा है या मास्क है उससे ये लोग यहाँ पर तौल कर रहे हैं तो ऐसे में साफ है कि इन सेवाओं को छूट दी गई है जो जरूरी है लिहाजा सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी गई हैं नौ प्रकार के उद्योग हैं कृषि क्षेत्र में है ये सारे काम अभी भी जारी हैं और यूपी के पीलीभीत में मास्क न पहनने पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान एक व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दिया इसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार ने मौके पर पुलिस जवानों के साथ ही इस व्यक्ति की पिटाई जमकर की सरकार के आदेश के बाद लॉकडाउन पर पुलिस बेहद सख्ती से पेश आ रही है यूपी के बदायू में कोरोना के आठ मामले मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है डीएम ने लॉकडाउन के दौरान जारी सभी तरह के जो पास हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया है अब सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े पास ही मान्य है इसके अलावा पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है हर आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है बदायू में कुल सत्रह हॉटस्पॉट हैं जिन्हें पूरी तरह सील रखा गया है यूपी के गाजीपुर में कोटा से लौटे छात्रों में एक के कोरोना के लक्षण उसमें मिले इस छात्र को प्रशासन ने तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया है एक दिन पहले ही कोटा से 211 छात्र स्पेशल बस से गाजीपुर लाए गए थे जांच के दौरान एक छात्रा में कोरोना के लक्षण मिले हैं इस छात्रा के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेजे गए इसके साथ ही जिस बस में ये छात्रा आई थी उसके दूसरे सभी पच्चीस छात्रों को भी क्वारंटीन किया गया है देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है स्टार्स का स्कूल घर में में रहो कूल और इस में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स तो मस्त रहिए मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए हम और हमारा देश एक कठिन समय से गुजर रहे कठिन समय में अक्सर हम अपना धैर्य खो देते हैं हर अफवाह पर भरोसा करना एक दूसरे पर इल्जाम लगाना लड़ना झगड़ना ये सब बहुत आसान है पर इससे परिस्थिति और बिगड़ेगी इस समय हमें केवल एकजुट होकर इस विपदा का सामना करना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए घर पे ही रहिए और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कीजिए और साथ ही साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जो इस वायरस से लड़ रहे हैं हमारी सुरक्षा लिए मस्त रहें मलंग रहें घर परिवार के संग्रह लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में जबलपुर के किसान की पुलिस पिटाई में मौत का मामला सामने आया है इस शर्मनाक मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं किसान ने मौत के पहले दिए बयान में पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था ये इस वक्त की अहम खबर किस तरह से पुलिस ने जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पालन न करने पर किसान की पिटाई की और इस पिटाई से किसान की मौत हो गई है इस शर्मनाक मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं किसान ने मौत के पहले दिए बयान में पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था जिसका वीडियो वायरल हो रहा है राजस्थान के 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 में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई चुरू से बीजेपी विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जिले में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजी लेकिन इस दौरान मौजूद उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है लेकिन इस कार्यक्रम में कहीं भी इसका पालन होता दिखाई नहीं दे रहा तो राहत सामग्री जरूर भेजी गई लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया राजस्थान के चुरू में तस्वीरें सामने आई और ये एक तरह से इस पूरे लॉकडाउन का मजाक भी है क्योंकि लगातार जो हालात हैं वो मुश्किल भरे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी भी कीमत पर करना है तो वो होता हुआ नहीं दिखा जो वाकई बहुत दुखद है लॉकडाउन की वजह से ओडिशा के गंजाम जिले में गुलाब की खेती करने वालों को बहुत नुकसान हो रहा है मंदिरों के बंद होने से इस सीजन में शादियां टलने से फूलों की मांग घट गई है फूलों की खेती करने वालों के गुलाब अब खेत में ही खराब हो रहे हैं एक अनुमान के मुताबिक गुलाब की खेती करने वालों को रोजाना कम से कम दस रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है तो ये तस्वीरें आपको वैसे तो बहुत खुशी दे सकती थी लेकिन इस वक्त इन किसानों के लिए ये फूल खिलना ही इनके लिए मुसीबत हो गई है क्योंकि ओडिशा के गंजाम में ख़ास तौर पर मंदिरों में शादी समारोह में फूल भेजे जाते थे लेकिन जिस तरह से मौसम है जिस तरह से लॉकडाउन है उस दौरान ना तो शादियां हो रही हैं ना ही मंदिर खुले हैं कि लोग फूल अर्पण करें ऐसे में किसानों पर इसकी मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है जो इसकी खेती करते हैं महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या पर सियासी घमासान तेज हो गया है हत्याकांड पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है साथ ही यह भी साफ किया है कि, कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा सीएम उद्धव ने कहा है कि पालघर के मामले पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात की है मैं आपको वचन देता हूं इसमें कोई भी सांप्रदायिक बाप है नहीं सौ से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जिनको तीस अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है पुलिस की पुलिस की हिरासत में है इसमें पांच जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में हैं और सौ डेढ़ सौ जितने भी हो जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है उनकी तलाश जारी है और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे कृपा कर कर ऐसा मत करें पुलिस क्या कर रही है सरकार क्या कर रही है किया ना कर रहे हैं हमने किया किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आग ना लगाए ये कोई मजहब की बात नहीं है सिर्फ गलत फहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं और अब आपको बताते हैं 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हुआ क्या था पुलिस के मुताबिक दो साधु समेत तीन लोग मुंबई से सूरत जा रहे थे बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से बचने के लिए तीनों लोग गांव के रास्ते से जा रहे थे इसी दौरान पालघर के पास वन विभाग की टीम ने साधुओं की गाड़ी को रोका देखते ही देखते बच्चा चोरी गिरोह की अफवाह में वहां गाँव वालों की भीड़ जुट गई भीड़ ने गाड़ी में बैठे लोगों पर हमले की कोशिश की जिसके बाद वन विभाग की टीम तीनों को पुलिस चौकी ले आई पुलिस के मुताबिक चौकी के बाहर 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई इसके बाद पुलिस ने तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही भीड़ ने तीनों को पीटना शुरू कर दिया उस साई भीड़ ने पीट पीट कर तीनों की हत्या कर दी आरोप है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं उन्होंने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से टीम भेजे जाने की वजह पूछी है और साफ कर दिया है कि वजह नहीं बताए जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में सहयोग नहीं करेगी आज ही गृह मंत्रालय ने राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए छह अलग अलग टीम बनाने का ऐलान किया है आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका किन किन बातों पर आपत्ति है ममता बनर्जी को जी देखिए ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया है उसमें ये सवाल पूछा है कि जरूरत क्या आ गई इस टीम को भेजने की है जो इंटर मिनिस्ट्रीअल सेंट्रल टीम है ये क्यों आ रही है और जब तक ये साफ नहीं करते हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं कि क्यों ये टीम आ रही है इसकी क्या जरूरत है तब तक राज्य सरकार जो है सहयोग नहीं करेगी यहां तक कि ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में ये भी कह दिया है कि जो फेडरलिज्म है ये उसकी स्पिरिट को भी आ, सवाल उठाता है उसके ऊपर भी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आ, कड़े तौर पे ऐतराज जताया है ये जो सेंट्रल टीम चाह रही इसको लेकर के इसके पहले दोपहर को ये खबर आई थी कि दो टीमें जो कि हॉटस्पॉट या फिर जो सेंसिटिव एरियाज है पश्चिम बंगाल के जिसमें कोलकाता हावड़ा पूर्व मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर कैलिम्पोंग दार्जिलिंग आदि शामिल हैं वहां पर जाएंगे और परिदर्शन करेंगे राज्य सरकार को जो भी जरूरी निर्देश है वो भी देंगे और आशी का साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकार की तरफ से हुई थी जिसमें यह कहा गया है कि कुछ राज्य अपनी तरफ से रियायतें दे रहे हैं उसकी समीक्षा भी केंद्र सरकार कर रही है और उस पर सख्ती की जाएगी कि आप ऐसा ना करें शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इधर लॉकडाउन के बीच असम के डिब्रूगढ़ में रेलवे अस्पताल में 12 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू हुआ जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और जरूरी दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा गया इंटरव्यू के लिए लंबी लाइन लगाई दिखी हुई नजर आई आरपीएफ के जवानों को व्यवस्था ठीक करने के लिए लगाया भी गया लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ लोग कोरोना के खतरे की परवाह तक नहीं हो रही थी किसी को इसके लिए रेलवे अस्पताल पर भी लापरवाही का आरोप लगा है लॉकडाउन के बीच अस्पताल में खाली पद भरने के लिए इंटरव्यू किए गए हालांकि देश में हर तरह की भर्ती पर पूरी तरह से रोक है हिमाचल प्रदेश के ऊना में लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया ऊना की थोक सब्जी मंडी में तैनात पुलिस वालों को फूलमाला पहनाई गई मंडी में पुलिस की ड्यूटी सुबह चार बजे से पहले ही शुरू हो जाती है और देर रात तक पुलिस वाले लोगों को कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होने के लिए कहते रहते हैं सब्जी मंडी समिति ने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाले पुलिस वालों को कोरोना योद्धा बताकर शुक्रिया अदा किया सोशल डिस्टेंसिंग जो आती है उनका साथ दे रहे हैं जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका भी साथ दे रहे हैं और हमारे पुलिसकर्मी भाई दिन रात अपने घर परिवारों से दूर रह के हर समय यही प्रयास करते हैं कि हमारी इस सेवा से देश की उन्नति में हम अपना सहयोग दे सकें बिहार के अररिया में लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस को धन्यवाद किया है पुलिस ने भी लॉकडाउन के बीच लोगों से सहयोग करने की अपील के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद दिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन योद्धाओं का बड़ा योगदान है जिसका लोगों को भी एहसास है और ये सभी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं लॉकडाउन के बीच कानपुर में एक दारोगा पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दारोगा पैसों के लिए एक दुकानदार को पीटता हुआ दिखाई दिया दुकानदार की पत्नी ने एसएसपी से दारोगा की शिकायत की बताया गया कि दुकानदार जरूरत का सामान निकाल रहा था तभी दारोगा उससे पैसे मांगने लगा और पैसे नहीं देने पर उसे पीटना शुरू कर दिया मुंबई के दईसर इलाके में सड़कों पर कई दिनों के बाद बड़ी संख्या में गाड़ियां नजर आईं इन तस्वीरों को देखकर पहले तो ये लगा कि जैसे लॉकडाउन ही खत्म हो गया है महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आज से कुछ उद्योगों और दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है और इसी के साथ लोगों ने काम पर जाना शुरू किया तो दईसर में टोल प्लाजा के पास जाम जैसे हालात पैदा हो गए लॉकडाउन अभी जारी है लेकिन राजस्थान के अजमेर में लोगों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है अजमेर की सड़कों पर आज इतने लोग गाड़ियां लेकर नजर आए ऐसा लगी ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन है और ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन खुल गया है कई जगह पुलिस वालों ने भी लापरवाही दिखाते हुए इन्हें जाने दिया तो कुछ जगहों पर मीडिया का कैमरा देखकर चालान भी काट लिया गया राजस्थान में अभी कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है लेकिन जिस तरह से अजमेर में सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दी उससे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोरोना का डर नहीं है बेफिक्र होकर लोग सड़कों पर घूम रहे हैं